नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गौरव पांडे और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। डालते एक नजर झारखंड के गढ़वा जिले की ओर। सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को चलाने के बावजूद भी लोग गरीब हैं। हालांकि सरकार चाह रही है कि गरीबों की गरीबी पूर्ण रूप से समाप्त हो, लेकिन धरातल पर वास्तविक गरीबों तक योजना नहीं पहुँच पा रही है। पहुँच भी रही है तो इसका लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। हम बात कर रहे हैं हरिहरपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत मझियावा गाँव की। उक्त गांव के महुआ तथा हम टोला निवासी प्रसाद चौधरी की मौत 27 फरवरी को तकरीबन 1 बजे दिन में हो गई। परिवार अत्यंत गरीब है। मृतक के दाह संस्कार पड़ोसियों ने जैसे तैसे तो किया, किंतु हिंदू धर्म के अनुसार और भी क्रियाकर्म शेष रह गया है। क्रियाकर्म के लिए खर्च का बोझ उठाना इस बेसहारा परिवार को एक पहाड़ उठाने जैसा है। प्रसाद चौधरी अपने ही परिवार का एक सहारा था। मजदूरी कार्य कर किसी प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। बता दें कि मृतक अपने पीछे गूंगी पत्नी व 2 पुत्र को छोड़ चला। दोनों बच्चे नाबालिग हैं। बड़ा पुत्र संजय कुमार चौधरी 16 वर्ष व छोटा विशेश्वर चौधरी 14 वर्ष का है। दोनों नाबालिग बच्चे सरकार, पदाधिकारीगण व समाज सेवी से आर्थिक मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। वहीं मृतक की पत्नी को न कोई पेंशन मिलता है और न ही राशन कार्ड है। सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाने के बावजूद भी मिट्टी के घर में ही पूरा परिवार रहने को विवश है। दो वक्त की रोटी के लिए भी बच्चे मोहताज हैं। आइए देखते हैं झारखंड गढ़वा से संवाददाता विवेक चौबे की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ? संजय कुमार चौधरी। क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत। पिताजी आपका कब गुजरे? 28 तारीख। क्या दिक्कत है बताइए? बहुत दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, बहुत खर्ची उर्ची की दिक्कत है, राशन पता ही नहीं मिल रहा है, माँ के भी पैसा कौड़ी भी नहीं मिल रहा है, माई गुम है। और काम क्रिया के लिए दिक्कत है ना? हाँ, काम क्रिया के लिए दिक्कत है।